हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, हमने 1.4 के क्वेश्चन नंबर 4 तक करा दिए थे। वो एक्चुअली में लाइव कराने वाले थे ना, तो आज नेट का प्रॉब्लम हो गया तो लाइव नहीं हो पाया। ठीक है, लाइव नहीं हो पाया तो मैं इसको पूरा करा दे रहा हूँ। ठीक है, 1.4 क्वेश्चन नंबर, देखो 4 तो कर लिया था मैंने, कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, कह रहा है कि एस्टिमेट करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर जो 5 वो क्या कह रहा है, वो ध्यान से देखना। क्वेश्चन बारे कह रहा है कि 6 4 7 प्लस 7 3 6 प्लस 1 5 4 8। ठीक है, इनका क्या करना है? इनका करना है सम। ठीक है, इनका क्या करना है? सम। तो सम करने से पहले देखो, हम इसका करेंगे नीरेस्ट 100। क्या करेंगे हम? नीरेस्ट 100 करेंगे। हम आंसर देख लेते किस पैटर्न पे दिए गए, उसी पैटर्न को हम इसके यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते, तो नीरेस्ट 100 पर ही बात की गई है। किस पे? नीरेस्ट 100 पर बात की गई। ठीक है, नीरेस्ट 100, तो इसका नीरेस्ट 100 करेंगे। बहुत ध्यान से बेटा समझना, क्वेश्चन ध्यान देखना। अगर पहली क्लास छूट गई है ना तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम फोकस करेंगे। देखो, नीरेस्ट 100 का मतलब क्या है? इसको जीरो करेंगे और इसको जीरो करेंगे। तो ये देखो 6, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्यों? यहाँ जो नंबर ये 4 है, 5 से कम है। ऐसे ही इसको करेंगे, तो ये से जीरो करेंगे, ऐसे जीरो, यानी कि ये जीरो, ये जीरो, और ये हमारा 7, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे मूव करेंगे तो ये जीरो करेंगे, ये जीरो करेंगे, इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़े, तो 1 6। ठीक है, अब इनका क्या करना है? सम करना है। सम करना है तो देखो, 6 और 7 6 और 7 होता है हमारा 13। ठीक है, और 13 में अगर हम 13 में ये जोड़ेंगे, 1300 में अगर इसको जोड़ेंगे ना, तो आंसर विल बी 2900। तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अभी क्या कह रहा। 1 5 7 प्लस 3 5 3 4 प्लस 2 5 6 4, ये मेरा नंबर है। अब ये आपको दिख रहा है ब्लैक कलर? दिख रहा होगा ब्लैक कलर, आराम से दिखता है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार येलो को चेक कर लेते, येलो अगर दिख रहा है तो। ठीक है, तो देखो नीरेस्ट 100 मतलब इसका भी 100 और इसका भी 100, तो इसे जीरो करेंगे, इसे जीरो करेंगे। जब दोनों को जीरो करेंगे तो ये 5 है, तो ये दूसरा नंबर 1 प्लस हो जाएगा। ऐसे ही इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, इसे जीरो करेंगे, इसे जीरो करेंगे, ये आगे वाले नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? ये डिजिट वो 3 है, मैंने आपको इसका पैटर्न बताया था, ये 5। अब देखो ऐसे जीरो, ये जीरो, तो ये दो जीरो हो जाएंगे, आगे वाले नंबर 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि ये 6 है। देखो ना, 1 से 4 आता है तो नो प्लस, नो चेंज, लिख लो। ठीक, और 5 से 9 आता है तो +1, नेक्स्ट डिजिट। ओके, गॉट इट? तो ये हमारा 6 हो जाएगा। अब बेटा इसको ऐड करेंगे, देखो 200 को हम अलग रख लेते हैं पहले, ये 35 और 26, 35 26 हो जाएगा हमारा 61, और 61 में जाएगा 6300। क्लियर? ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है स्टडी में, तो बच्चा जरूर सब्सक्राइब करिए। पूरी सीरीज चलेंगी और इस चैनल पर नंबर ऑफ सीरीज मैंने स्टार्ट करी, जैसे बच्चा हर किताब को आराम से पढ़ सके। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते बच्चों। ठीक है, क्लियर? अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम से ही समझ में आएगा। ठीक है, आराम से। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देख लेते, 5 में 2 ही क्वेश्चन थे क्या? बेटा 5 में 2 ही क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत नहीं। 5 में कितने थे? 2 क्वेश्चन थे। ठीक है,
अब कह रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन ये कह रहा है, अब मैं आपको हाईलाइट बता दे रहा हूँ क्या करना है। ये कह रहा है एस्टिमेट द डिफरेंस टू द नियरेस्ट 100। डिफरेंस का मतलब होता है कभी भी वर्ड अगर ये लिखा दिख जाए, आपको ये वर्ड लिखा दिख जाए, आपको ये डिफरेंस वर्ड लिखा दिख जाए, तो उसका मतलब होता है सब्ट्रैक्ट करना। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है बेटा। तो चलो अब हम इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला, थोड़ा सा ज्यादा मोटा हो गया ना। कह रहा है 2908 माइनस 437। ओके, अब देखो इसको जीरो करेंगे और इसको जीरो करेंगे, ऑलरेडी जीरो, 2900। अब बच्चे यहाँ मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक बहुत ध्यान से समझना, बच्चे करते हैं मिस्टेक ये करते हैं, बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि इसको समझ लेते हैं और इसके हिसाब से यहाँ 1+ कर देते हैं। तो 1+ नहीं करना, इस डिजिट को लेना उसके पास वाले को। अब इसका करेंगे तो ये 400, माइनस करेंगे तो आप बताइए 29 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 25। दिस इज मे माई आंसर, ठीक है, क्लियर, ये आंसर हो जाए। बी वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा, कह रहा 5606 माइनस 325। ओके बेटा, नंबर क्वेश्चन लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इसका नियरेस्ट 100 करना है। तो 6 को 0 बनाएंगे और इसे 0 बनाएंगे, जो लास्ट वाला 0 था उसको देखेंगे उस वाली डिजिट में, उस वाली डिजिट में क्या होता है, 0 है तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर बेटा, क्लियर दिख रहा, कोई दिक्कत तो? हाँ यहाँ में तो क्लियर दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान रखना इसको बहुत ध्यान से, अब इसको जीरो करेंगे और इसको जीरो करेंगे, 3 हो जाए। बच्चे इसके हिसाब से इसमें 1+ कर देते, नहीं करना है, मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान रखना। अब ये जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, ये आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, दो ही क्वेश्चन थे इसमें। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 देखते हैं। अगर आपको लगता है कि ये चैनल से मेरी हेल्प हो रही है तो बच्चे अपने दोस्तों को शेयर कर दो, वहां तक जरूर पहुंचाओ, ठीक है। चलो एस्टिमेट करना है, सीधा बोला एस्टिमेट करना है द प्रोडक्ट। आपको कीवर्ड्स हमेशा ध्यान रखने में, कीवर्ड्स बता रहा था लेकिन यहाँ से दिमाग से दौड़ गया। सबसे पहला कीवर्ड था हमारा डिफरेंस, जब भी देखें माइनस करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, ये चीज़ों को ध्यान रखो। पहला क्वेश्चन लिखा 285 मल्टीप्लाई 546 3, क्या कहना, नीरेस्ट 100 ही करना है। तो इसको जब जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाएंगे, कोई फर्क, जब 8 को जीरो बनाने जाएंगे तो इस डिजिट में क्या कर देंगे, 1+ कर देंगे। आगे चलते हैं 5 4, इसको जीरो, इसको जीरो। अब देखो ध्यान से बेटा देखना, इसको जब जीरो बनाओगे ना तो ये 1 ऊपर वाले डिजिट में प्लस कर देगा, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, ये तो 40 आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, 2 इसकी 2 इसकी, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई होगा 15 और ये 16, दिस इज आंसर, ठीक है। ये फर्स्ट था 7 का, ठीक है। 7 का भी क्या कह रहा है, 7 8 6 मल्टीप्लाई 4 बार 1, ठीक है। अब क्या है, इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे, 2 0 हो जाएंगे, अभी हमारा 8 हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई, इसको जीरो, इसको जीरो, 2 को 0 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 0 हो जाएंगे, ठीक है। और 8 का मल्टीप्लाई 11 में, 88, दिस इज माई आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं बेटा 9 पर। एड द फॉलोइंग, कह रहा है एड द फॉलोइंग नंबर एंड राउंड ऑफ देयर एक्चुअल सम टू द नीरेस्ट 100। क्या कह रहा है कि इसको ऐड करो और इसको नीरेस्ट करो, ध्यान रखना क्वेश्चन को बेटा। देखो क्वेश्चन कह रहा है एड द फॉलोइंग एंड राउंड ऑफ द एक्चुअल सम,
राउंड ऑफ द एक्चुअल सम, जो हमारा एक्चुअल सम आएगा उसको करना है टू द नियरेस्ट 100. आल्सो एस्टिमेट द सम टू नियरेस्ट 100. आल्सो इनका नियरेस्ट करके भी सम करना है. क्वेश्चन को देखो, चलो एट द फॉलोइंग, फिर हमें राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 100 को सम करना है. ठीक है इसको, ठीक है चलो मैं आपको इसको इरेज करके बताता हूँ. पता था यही होगा. चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक बार चेक कर रहा था क्या होता है. चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं. चार वैल्यू दी गई, तीन वैल्यू दी गई, कोई दिक्कत नहीं, जितनी वैल्यू दी गई उतने का यूज करते हैं. क्लियर, इनको क्या करना, सम करना. इसके सम को हमें करना है नियरेस्ट 100. ऐड करो कितना हो जाएगा, 13. क्लियर, ये 10 हो जाएगा, 11, 21, 2 कैरी, ये 10 हो जाएगा, ये 16, 1 कैरी, ये हो जाएगा 1 कैरी के बाद ये हो जाए 8 और 9, ये 14. ठीक है, अब इसके सम को क्या करना, नियरेस्ट करना. इसका सम आ जाएगा बेटा नियरेस्ट 1460. तो ये हमारा आंसर हो गया. दूसरा जो इसका आल्सो बोला के, आल्सो एस्टिमेट द सम और नियरेस्ट, तो व्हाट वी ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया. अब इनका कह रहे कि नियरेस्ट, इसका 100 नियरेस्ट करेंगे बेटा. तो देखो 1400 हो जाएगा, ठीक है इसका करेंगे तो 7400 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 5900 हो जाएगा. ऐड करो 00, ठीक है ये हमारा हो जाएगा 8, ये 17, ठीक है और एक वन कैरी 9 और ये 14. आप देख रहे होगे इसका जो आंसर दिया हुआ, एक बार आंसर देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर नाइन बेटा एक देखो, एक तो हमारा 14600, एक 14700. ठीक है तो ये हमारा ऑब्जर्व हुआ. ठीक है क्लियर, तो डिफरेंस बिटवीन दोनों का, डिफरेंस बिटवीन कहाँ है एक्चुअल, तो 100 का हमारा क्या है, हमारा डिफरेंस है. ठीक है क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 10 इसको इरेज कर दे रहा हूँ बेटा. ठीक है अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो हमने एक ही बात कही है और लोगों तक जरूर पहुँचाइए. ठीक है इसको इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर चलता हूँ. क्वेश्चन नंबर हम 10 को देख लेते हैं बेटा. 10 क्वेश्चन क्या कह रहा, इन 2011 द नंबर ऑफ चिल्ड्रन डाइवर्ट फ्रॉम स्कूल इन उत्तर प्रदेश वर 8,96,301 एंड द मध्य प्रदेश दे 2,86,000. एस्टिमेट द टोटल ऑफ द चिल्ड्रन ड्राइव्ड फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन इन टू स्टेट. अब इसका कितना निरेस्ट किया गया होगा, आई थिंक में इसको किया गया होगा, उनको लैक से निरेस्ट किया गया. ठीक है चलो अब देखो हमें जो किया गया क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बात करते हूँ, उधर उत्तर प्रदेश की बात करूँ, उत्तर प्रदेश
प्रदेश में कितने थे हमारे? 8, 9, 6, 3, 0, 1। मध्य प्रदेश में कितने थे? 10 लिखी थी, मध्य लिखा नहीं है, मध्य प्रदेश। ऐसे जब भी कोई पॉपुलेशन के रिगार्डिंग आए तो इनका सबसे एक डिजिट छोड़ के एस्टीमेट करते हैं, इसका एक डिजिट छोड़ के एस्टीमेट करेंगे, ठीक है? चाहे उनको कहला द क्या बोला, एस्टीमेट हमें किसका करना है, द एस्टीमेट द टोटल नंबर, एस्टीमेट करना टोटल नंबर, हमें ये नहीं बोला ऐड के बाद करना प्लस के बाद, सीधा कर लेते हो। ये देखो इसको जीरो करेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा, यहाँ तक जीरो होगा तो, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 9, यहाँ तक करेंगे तो ये 3 ले, दोनों का सम कर देंगे तो हमारा 12 ले। मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। ये बोला 12 लाख स्टूडेंट, 12 लाख चिल्ड्रन डाइवर्ट फ्रॉम द स्कूल एजुकेशन इन द इन टू स्टेट, ठीक है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, 12 लाख चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल एजुकेशन इन टू स्टेट, ठीक है, ये आंसर। अगर इतनी सी लाइन लिख देते हैं तो आपका आंसर अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर इनका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर लिखा है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा, थोड़ा बच्चा ध्यान रखना, मुझे लाइटिंग पड़ती है यहाँ पे। इन 2001 दिल्ली हैड 41,000 चिल्ड्रन लेवर बिटवीन द एज ऑफ 4-5 2000 बिटवीन रेस्क्यू दिस चिल्ड्रन, एस्टिमेट द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेवर इन द गिवन 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स में कितने हमारे चिल्ड्रन को रेस्क्यू किया गया, ठीक है, और क्या किया गया इसमें, एस्टीमेट नहीं करना है, एस्टीमेट बोला करने के लिए, हाँ एस्टीमेट, एस्टीमेट करना, डिफरेंस एस्टीमेट, तो ये देख ले एस्टीमेट हमने बोला करने के लिए, ठीक है, एस्टीमेट करेंगे तो 2001 में तो बोला नहीं, नेक्स्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन गिवन 2 ईयर, एस्टीमेट द डिफरेंस इन द डिफरेंस करेंगे ना करेंगे, देखो और करते हैं तो ये देखो शायद उन्होंने पूरे ही कर दिया, लास्ट डिजिट तक कर दिया, मैं समझ गया, उन्हें लास्ट डिजिट तक किया, मैं समझ गया, तो लास्ट डिजिट तक कर दिया पूरा, लास्ट 4-7-3 उन्हें लास्ट किया तो दे देखो ये आ गया, उन्हें इसका किया तो ये आ गया, फिर इन दोनों का माइनस कर दिया और ये आ गया 10,000, ठीक है 10,000, ठीक है, ये 10,000। अगर आप ऐसे डायरेक्ट करते हो, एस्टीमेट करते हो, अगर डायरेक्ट करना चाहो तो देखो 6, 2, 4, 5 और 1, इसका अगर डायरेक्ट करोगे ना तो आंसर नहीं आएगा, तो आंसर आपको कंफ्यूजन करेगा ना, ठीक है, तो आपको पूरा यहाँ तक 4 डिजिट तक हमारा एस्टीमेट करना है, यानी 10,000 तक एस्टीमेट करना है, ठीक है, कितने 10,000 तक करना, चलो ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं,
वन ट्री मेक 8,333 शीट्स ऑफ पेपर, वन स्ट्रीम ऑफ पेपर इज 500 शीट, एस्टिमेट द नंबर ऑफ स्ट्रीम कैन बी प्रोड्यूस इन वन ट्री, एस्टिमेट द स्ट्रीम कैन बी प्रोड्यूस इन 6 ट्री। ठीक है चलो, तो अब हम क्या करेंगे, इसका एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या दिया, वन ट्री जो मेक्स है, एक वन ट्री जो है, एक जो वन ट्री है, वन ट्री एक एट थाउजेंड थ्री थ्री का एस्टिमेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8,000। ठीक है, ध्यान रखते हैं। अब कह रहा है पेपर वन रीम, ठीक है, वन रीम ऑफ पेपर कंसिस्ट 500 एक वन रीम जो है कितनी 500 सीट्स लेती है। ठीक है, तो अब बताइए एस्टिमेट द नंबर ऑफ रीम्स, तो नंबर ऑफ रीम्स इक्वल टू 8,000 डिवाइड बाई 500 कट गया तो कितनी आ जाएंगे बेटा 16। ठीक है, अब 16 तो आ गई, अब उसने बोला है कि 16 नहीं, उसके बाद मुझे क्या करना है, 6 ट्री में प्रोड्यूस और रीम्स, तो 6 ट्री में कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ रीम्स इन 6 ट्री, 16 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई कितना था हमारा मल्टीप्लाई 6 कितना हो जाएगा 6 96 नहीं इसका नहीं किया, तो मैं कितना चाहिए हमारा 96 भी चाहिए। ठीक है बेटा, चलो इसको थोड़ा और समझ लेते हैं, तो इसी हिसाब से अगर आप करेंगे ना तो आपके स्कूल में एक भी नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है चलो, आगे चलते क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, पॉपुलेशन है वो कितना हमारा, एक बार पॉपुलेशन जो बेटा है वो हमारा कितना है 1,350,000,000,000 ये और 30 ये। ठीक है, अब इसमें ये 4 हो जाएगा। ठीक है भाई यार, और ये हमारा दिया ट्री, ये हमारे दिए 3,000,000,000 6 डिजिट का करना, 9 डिजिट, ये 3 और ये 3 इसका करना है यहाँ तक। ठीक है, इसका करें इतना, इसका करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 आएगा तो ये 35 आएगा, तो आंसर आएगा 25। ठीक है, 25 आ रहा। ठीक है, अब मान लो हम इसको यहाँ तक करते हैं, ये 13 आ जाएगा। ठीक है, 13 आ जाएगा और यहाँ तक करेंगे ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 40 मान लो इसको डिवाइड इसमें देते हैं, ए ज़ीरो इससे कट जाएगा, ए ज़ीरो इससे कट जाएगा। ठीक है, ए ज़ीरो इससे कट जाएगा। ठीक है, 3,500,000,135। ठीक है, अब इसे अगर काटोगे ना
से अगर डिवाइड करोगे ना, लास्ट क्वेश्चन बना देते कि दिमाग ही खराब हो जाता। 135 120 डिवाइड बाई 135, 25 आ रहा है, ये वाला 25। ठीक है, एक डिजिट और करते एस्टीमेट है। अरे मान लो एक डिजिट कर दे, 135 00 डिवाइड बाई इसका एस्टीमेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? इसका आ जाएगा 14 00। ठीक है, अब ये आया, देखो कहाँ अन्य एस्टीमेट किया, कोई मतलब है इसका एस्टीमेट करने का? है कोई मतलब ही नहीं इसका एस्टीमेट करने का। ठीक है, उन्हें इसको तो एस्टीमेट किया नहीं, उन्हें इसको यहाँ तक एस्टीमेट कर दिया, इसको एस्टीमेट कर दिया, यानी इसकी भी 2 डिजिट और इसकी भी 2 डिजिट। ठीक है, दोनों डिजिट को कर दिया, तो इसको करेंगे बेटा एस्टीमेट तो ये 3500, इसको करेंगे तो बेटा 140। इससे इसे में डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। ठीक है, नंबर 14 देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा, नंबर ऑफ प्राइवेट टू व्हीलर इन अराउंड इन दिल्ली रोड्स दिस रिस्पेक्टली एंड द एस्टिमेट द टोटल ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। ठीक है, तो दिल्ली में हमारे क्या है, इतने व्हीकल्स हैं, कितने है हमारे, ये एस्टिमेट करो, यहाँ तक एस्टिमेट करना सीधा यहाँ तक, 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 2 3 4 5 6, इसको करो 1 2 3 4 5 6, ये 3। ठीक हमारे कितना, 8 8 आ रहा है आंसर, 8 तो सही है, 8 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 को भी देख लो, एस्टीमेट करना सीख जाओ बस। सचिन तेंदुलकर दिस 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 दिस, तो क्या रहा, इसका 100 किया और इसका 100, इसका करेंगे 100,000, तो ये हमारा 16 और इसका हो जाएगा हमारा 16। राउंड ऑफ कितना किया, 53 53, इसका करेंगे 100, उसका भी 100 करेंगे, मतलब कितनी इनिंग्स खेली, तो उसने जो हाईएस्ट रन बनाए हैं ना रिकॉर्ड इन इतने, तो रन्स कितने हैं, रन्स हमारे हैं 1,592, इसका एस्टीमेट करेंगे 1,590। ठीक है, अब इनिंग्स का करेंगे, इनिंग्स कितनी हमारी, इनिंग्स हमारी है 329, इसका करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 300, इसका डिवाइड करो तो 1212, इसका डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ पर इनिंग में से कितने रन बनाए, तो कितना करेंगे, देखो एक जाएगा 5 बार, ये जाएगा 3, तो हर एक इनिंग से 53 रन बनाए। ठीक है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन हो गया और वीडियो हमारा यहाँ पूरा कवर हो गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, जय हिंद जय भारत।